जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, CISA BSI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज है आपका मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 26। कुछ दिन के लिए हमने क्या किया था, आपका प्रैक्टिस सेट जो मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को बंद रखे थे, आज से फिर से हम इसको कंटिन्यू कर रहा है। इसको कम से कम हमने लगभग 40-50 के आसपास करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो देखिए, चलिए पहले हम करते हैं। इसमें आप लोगों को पता तो लग ही गया है कि इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है और आपको 20 मिनट समय दिया गया था, तो आपने शायद ये सब क्वेश्चन को कर लिए होंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी, अर्थात निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम से अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कौन सा होगा, आपको शायद इसका बारे में मेरे को डिटेल्स में बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सभी को डिक्शनरी देखना आता है और डिक्शनरी में कैसे हम लोग वर्ड को ढूंढते हैं उसी वाइज आप सजाओगे। तो सबसे पहले आपका आएगा ऑप्शन बी नंबर, सबसे पहले आएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन में आपका आएगा ऑप्शन सी, और थर्ड नंबर ऑप्शन में आपका आएगा ऑप्शन डी, और आपका लास्ट ऑप्शन में आएगा ऑप्शन ए। तो आपको पता लग गया होगा इसका क्रम, ठीक है। अभी उसके बाद देखिए दो नंबर क्वेश्चन क्या है, दो नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, अर्थात दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों का चयन करें। देखिए इसमें जो चार आपको दिया गया है 160, 240, 360, 480, इसमें से क्या है, कौन सा आपका अलग है, ये चीज़ आपको चुनना है। देखिए आपका इसमें आंसर तो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए में, क्यों आएगा, क्योंकि देखिए 24, 36 और 48 क्या होता है, 12 से डिवाइड होता है, मगर ये जो 16 है 12 से डिवाइड नहीं होता है। तो आप इसको समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए उसके बाद देखिए तीन नंबर क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ये है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस संबंधित क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे। बोल रहा है कि राहुल ट्रैवल 10 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 4 किलोमीटर एंड देन अगेन टर्न राइट एंड कवर एनदर 5 किलोमीटर एंड टर्न राइट एंड ट्रैवल एनदर 4 किलोमीटर हाउ फॉर इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर में है, इस चीज़ को पूछे। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कभी भी मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप का एक बना लीजिएगा निशान, आपका ऊपर में सभी को पता है कि नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, बाकी ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन में ये सब का ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये देखिए आपको मैं एक बता दिया हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए बोल रहे कि राहुल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता करता है। तो समझिए कि राहुल इस जगह में खड़ा है और उत्तर आपका ऊपर का तरफ है, तो राहुल क्या ऊपर का तरफ वो 10 किलोमीटर गया, ठीक है। 10 किलोमीटर जाने के बाद क्या, यात्रा के बाद वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है इस साइड में मुड़ जाता है, कितना किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर यात्रा करने के बाद फिर से वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब इस साइड में मुड़ गया, कितना किलोमीटर मुड़ गया आपका, वो मुड़ गया आपका 5 किलोमीटर मुड़ गया, कितना मुड़ गया आपका, ये जो है आपका 5 किलोमीटर है, ठीक है। 5 किलोमीटर मुड़ गया और दूरी तय किया, 5 किलोमीटर का दूरी तय किया, और उसके बाद क्या है, वो दाएं मुड़ गया। तो अभी क्या हुआ, दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ के कितना आया, दाएं मुड़ के आया 4 किलोमीटर, अर्थात इधर भी 4 इधर भी 4 था। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एट लास्ट वो शुरुआत बिंदु से कितना दूरी पे है, तो आपको पता लग गया ये भी 4 ये भी 4 और पॉइंट पे आ गया इस लाइन पे, ये वाला लाइन पे वो आ गया। तो आपको एक चीज़ पता लग गया है, तो देखिए पहले आप 10 थे, यहाँ पे 4 गया, यहाँ पे 5 गया, यहाँ पे 4 गया, तो बिंदु आपका सेम लाइन में आ गए, तो इधर का चार का कोई वैल्यू नहीं बचा आपके लिए, वैल्यू बच गया ये 5 के लिए और यहाँ का 10, तो 5 और आपका 10 दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जो 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो कितना दूरी में है आप, वो जो शुरुआत बिंदु से वो आपका 15 किलोमीटर, जो आपका ऑप्शन सी आपका है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए चार नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चार नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है, उस लुप्त संख्या को आपको चुनना है विकल्प में से। देखिए इसमें बोला है 10, 7 से 10 कैसे गया, आपको 3 प्लस हुआ, 10 से 19 कैसे गया, आपका 9 प्लस हुआ। तो एक चीज़ पता लग रहा है
कि एक बार 3+ हुआ, एक बार 9+ हुआ। देखिए आगे जाइए 19 से 22 में जाइएगा, इसमें भी क्या होगा, 3+ हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए 22 से 31 में जाइए, 22 से जैसे 31 में जाएंगे तो हमारा क्या हो रहा है, इसमें 9+ हो रहा है, तो ये 3, 9, 3, 9 करके प्लस हो रहा है। तो इसके बाद आपको 31 के साथ कितना प्लस होना चाहिए, 31 के साथ आपका 3+ होना चाहिए, ठीक है, एज पर रूल। तो आपका क्या, देखिए तो आपका क्या, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका, 31 से 3+ करेंगे तो आपका 34 आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश वाला अपना इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं हिंदी वालों को समझाता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दिए गए विकल्प में आपको शब्दों को चयन करना है। देखिए तीर्थयात्री क्या, तीर्थयात्री क्या होता है, कारवा करता है, ठीक है, और दंगा वाले का ग्रुप को क्या बोलता है, ये बोलता है आपको गैंग, अर्थात तीर्थयात्री का जो एक साथ में जो तीर्थ करने के लिए जाते हैं तो उनको क्या बोलता है, कारवा बोलता है, ठीक है, मगर दंगा करने वाला का इकट्ठा जब होता है तो उनको क्या बोलता है, गैंग बोलता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो। अभी देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो सेंटीमेंट जो शब्द है, इस शब्द से नीचे जो आपका ऑप्शन है इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन ए आपको बनाया जा सकता है, बी भी बनाया जा सकता है, सी भी बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं बनाया जा सकता, इसमें ओ जो है एक्स्ट्रा है। तो चलिए अभी उसके बाद, चलिए उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हार्ट अटैक का कारण क्या है। तो देखिए हार्ट अटैक का जो कारण होता है, जो हृदय में रक्त की आपूर्ति जो अर्थात कमी के चलते क्या होता है, आपका हार्ट अटैक होता है, अर्थात जैसे जब ब्लड हमारा शरीर में नहीं पहुंचता है तभी हमारा हार्ट अटैक होता है। अभी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। तो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है आपका, जो आपका होता है अक्षय ऊर्जा, जो आपका रेन्यूएबल एनर्जी होता है, रेन्यूएबल एनर्जी आपका इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना दिन होता है। तो राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल आपका 6 साल का होता है, ठीक है। अभी 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना दिन होता है, ये 5 साल के लिए होता है, ठीक है। अभी देखिए चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहले गवर्नर कौन थे, अर्थात स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर, अर्थात ये कोई ये नहीं पर्टिकुलर बोले कि भारत का ये विदेश का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर में बोल रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी राजा गोपालाचारी आपका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है कि जो पंचशील जो समझौता है भारत और किसके बीच में हुआ था, तो भारत और चीन के बीच में हुआ था, ठीक है। अभी देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 7 है, यदि 3 नए संख्या को जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाता है, 8.5 हो जाता है, तो उन 3 संख्याओं का औसत क्या है। देखिए 5 संख्या का सबसे पहले इसको करने का तरीका है, 5 संख्याओं का औसत 7 से गुना करोगे, मतलब आपका 7 है तो टोटल संख्या हो जाएगा 35, और देखिए इसमें 5 संख्या ऑलरेडी है और 3 जुड़ जा रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 8 है, और कितना आपका है 8.5। तो सबसे पहले पॉइंट को हटाइए, नीचे 10 आएगा, ठीक है, तो इसको गुणा करिए क्या है, देखिए 8.5 कितना हो जाएगा, 8.5 इसमें अगर 40 शून्य हाथ में 4 हो गया, 8 8 64 64 66, तो इसमें पॉइंट इसमें शून्य हट जाएगा, तो देखिए कितना आपका ज़्यादा हो गया, 66 से जैसे 35 को घटाएंगे तो आपका 33 हो जाएगा, और 33 ये क्या है, तीनों का है, टोटल है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 11 जो हो जाएगा तीनों का क्या हो जाएगा, औसत। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कि तीनों का जो औसत है, ऑप्शन ए आपका 11 आपका आंसर है। अभी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि ए अकेला एक काम को 15 घंटे में कर सकता है और बी अकेला उस काम को 12 घंटे में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिल के इस काम को कितना समय में पूरा करेगा। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आपको बेसिक क्लास में हम कराए थे, सबसे पहले क्या करना है, ए का काम एक दिन का मतलब पूरा काम करता है 15 आपका घंटे में, और बी ने पूरा काम करता है 12 घंटे में, तो टोटल आपका काम हो जाएगा 60, क्योंकि ये आपका LCM
और 15 से 60 को काटेंगे तो 4 हो जाएगा, और आपका 12 से 60 को काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो दोनों का एक दिन का काम कितना, 9 हो गया। तो देखिए 9 आप क्या करेंगे, 60 से 9 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 3 और ये 20, तो आपका कितना हो जाएगा 20/3। ये क्या है, 20/3 घंटा है। आपको 20/3 घंटा को क्या करना है, आपको आंसर आपको मिनट में दिया है, तो आपको क्या करना है, मिनट में निकालना है। तो 20/3 के साथ क्या करोगे, 60 का गुना करोगे और इसको काट दोगे तो 20 हो जाएगा, और 20 से 20 का गुना करोगे तो 400 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है। अभी देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि गोपाल ने 8000 के क्या है अमूल से साधारण बैच पर उधार लिया, 3 वर्ष के बाद भुगतान से अधिक उनको 1440 का भुगतान किया, तो वार्षिक ब्याज क्या है। तो आपको एक चीज़ पता लग गया कि जो 1440 है ये आपका है जो आपको SI है, तो इसको करने का फॉर्मूला जैसे मैं आपको बताया था कि सबसे पहले आपको SI को लिखना है, उसके बाद क्या है आपको जो प्रिंसिपल को लिखना है, उसके बाद गुना करना है, और आपको इसमें रेट परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसमें नीचे आपका 100 हो जाएगा, 0 से 02 कट जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, देखिए अभी आपको काटना है इस 0 से इस 0 को कट जाएगा, अभी 3 से इसको काटेंगे तो कितने में जाएगा, देखिए 3 3 4 12 हो गया, और 2 3 8 24 मतलब 48 हो गया। तो आप 8 से 48 को काटोगे तो 6 आ जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, रेट परसेंटेज आपका 6%, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आपका 6% आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 487623 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो देखिए ये क्वेश्चन को मैं नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, क्योंकि स्थानीय मान जातीय मान के बारे में आपको पक्का जानकारी होगा, जानकारी नहीं होने से मेरे को कमेंट करिएगा, मैं पक्का 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। आंसर तो आपके लिए होगा, मैं बोल भी सकता था मगर मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद से करिएगा, ठीक है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 25,000 रुपया को 4 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 4 वर्ष के बाद उसको ब्याज कितना मिलेगा। तो देखिए जैसे मैं आपको फॉर्मूला सिखाया था कि SI निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रिंसिपल को लिखिए कितना दिन के लिए है, 4 वर्ष के लिए है, और कितना परसेंट, 8%, तो नीचे 100 कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। बाकी 25 से ये आपने 32 को गुना कर दीजिए, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले 4 से 25 को करिए, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 से 8 का करेंगे तो आपको 800 ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 18 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि रुपया 3000 के वार्षिक 9% की ब्याज की दर से 3 साल में साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बेसिक क्लास में बताया और 2 क्वेश्चन भी कर दिया। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं बताइएगा, कर लेने से आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और नहीं कर पाने से भी कमेंट करिएगा, मैं इसको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो आप लोग कमेंट नहीं करने से मैं इसको नहीं बताऊंगा, मैं सोचूंगा कि आप लोगों को करना आता है, कर लिए होंगे, ठीक है। अभी देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन आपको बोला है सेम मीनिंग वाला, अर्थात सिनोनिम वाला क्वेश्चन बोले है एसिस्ट। देखिए एसिस्ट का आंसर आपका कंफर्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि एसिस्ट क्या है, असिस्टेंट जो होता है वो जो मेन जो काम करने वाला को हेल्प करता है, अर्थात मेन काम करने वाला क्या होता है, कंफर्टेबल फील करता है, तो आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बिगर का मतलब जानते हैं कि जो बड़ा, ऑल्टर का मतलब जो चेंज, जो परिवर्तनशील, तो ठीक है ये भी आपको पता। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्या है, जो सेम मीनिंग वाला क्वेश्चन है, अर्थात सिनोनिम है पॉइजन, पॉइजन का क्या होता है, जो आपका सिनोनिम क्या होगा आपका, ये हो जाएगा वेनम, ठीक है। पॉइजन का क्या हो जाएगा आपका सिनोनिम हो जाएगा वेनम, क्योर मतलब जैसे पूरा पूरी ठीक हो जाना, एंटीडॉट्स मतलब जैसे कोई भी बीमारी होता है उसका सही करने के लिए जो उपचार किया जाता है उसको बोलते हैं एंटीडॉट्स। अभी देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, आपको बोला ये भी जो सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन बोला है, देखिए क्या बोल रहा है, मर्डर, मर्डर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, जो अर्थात किसी को मारना होता है किल, अरेस्ट मतलब जो किसी को गिरफ्तार करना, और हेल्प मतलब किसी को सहाय्य करना या सहायता करना, ठीक है। अभी देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका ऑपोजिट वर्ड संबंधित क्वेश्चन है, डेंसी, डेंसी मतलब जैसे घना, घनत्व, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा स्पेयरसी, ऑप्शन ए आपका आंसर है, ठीक है।
अभी देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, ये भी विपरीत ऑपोजिट वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। इसमें बोला है फ्रेश, तो फ्रेश का ऑपोजिट क्या होता है, स्टेल अर्थात बासी, ठीक है। तो ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। देखिए अभी 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये है आपका ईडीएम संबंधित क्वेश्चन है अर्थात जो मुहावरा होता है, ठीक है, द कीप द वूल फ्रॉम द डोर। तो ये क्या होता है, अवॉइड स्टारवेशन अर्थात बहुत ज़्यादा दरिद्री होना अर्थात बहुत ज़्यादा गरीबी होना। अभी देखिए 26 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्या है, ईडीएम संबंधित क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बाय फिट एंड स्टार्ट, बाय फिट एंड स्टार्ट, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको हमने ऑलरेडी आपको करा चुका है, तो आप खुद से इसका कमेंट करके आपका आंसर बताइएगा, खुद से करिएगा, ठीक है। अभी देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि वन वर्ड संबंधित क्वेश्चन है, दैट विच कैन नॉट बी कैरीड, अर्थात जो चीज़ कैरी नहीं कर सकता है उसको क्या बोलता है, पोर्टेबल, ऑप्शन ए आपका आंसर है। बाकी आपका प्रोटोटाइप क्या होता है, जैसे कोई चीज़ फर्स्ट टाइम बनाया जाता है तो उसको प्रोटोटाइप बोलता है, ठीक है। अभी 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, फेनरल बेल, फेनरल बेल क्या होता है, एक कैनल, कैनल क्या होता है आपका, ऑप्शन ए आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। और ये 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न को चार शब्द दिए गया है जिसमें से एक शब्द से वर्णित गलत है, तो सही चीज़ को चुने, ठीक है, जो आपका सही वर्णित वाले शब्द का चयन करें। मतलब इसमें क्या हुआ आपको, इसमें थोड़ा क्या आ गया, इसमें थोड़ा ये हिंदी वाले को मत पढ़िएगा, इसमें क्या बोल रहा है कि आपको देखिए इसमें एक चीज़ आपको गलत दिया हुआ है बाकी सब सही है, तो गलत कौन सा है, तो देखिए डिक्शनरी भी सही है, इरेलीवेंट भी सही है, कमांडर भी सही है, मगर जो कनेक्शन का जो आपका लास्ट में TION होता है वो का जगह में ए लिखा है, तो ये ऑप्शन सी आपका आंसर है, क्योंकि यही आपका चारों में से यही आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन था, ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज के लिए आपका हमने क्या है, एक क्वेश्चन कैसे भी बाय मिस्टेक मेरे से मिस हो गया होगा, तो चलिए आज का जो 29 क्वेश्चन था 29 क्वेश्चन हमने कर लिए है। कैसे लगा क्लास को पक्का बताइएगा, अच्छा लगने से लाइक करिएगा और साथ में कमेंट भी करिएगा, जितना भी क्वेश्चन आपको दिया गया था उसको करने के लिए। तो चलिए जय हिंद जय भारत।